नुकीली परी, जब तक तुम अपने बुराई के खेल का सच नहीं बताओगी तो हम तुम्हें इस काले कैद खाने में बंद कर देंगे, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें इसी कैद खाने में बितानी होगी। हाँ नुकीली परी, यहाँ का अंधकार तुम्हारी सारी शक्तियों को समाप्त कर देगा। तुम्हारी बुराई यहाँ के अंधकार से लड़ लड़ के नष्ट हो जाएगी। यहाँ की पहरेदारी करो। जी आर पार परे। सांप जितने लंबे हैं। सांप? हाँ, और मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत डर लग रहा है। अरे दोस्तों, तुम सबको मेहर के वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बालवीर को सर से बात करते हुए सुना है। बालवीर कह रहा था कि मेहर के बालों से किसी भी बच्ची को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हाँ बच्चों, बल्लू एकदम सही कह रहा है। बालवीर ने अभी अभी मुझे आश्वासन दिया है कि मेहर की चोटी से किसी को कोई खतरा नहीं है, तो सब अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको आ बला पकड़ गला मुहावरे का मतलब समझाऊंगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। डस्टर गया, डस्टर लाना तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं सर, मैं आपका डस्टर लेकर आती हूँ। तेरी छुट्टी टेस्टर लेने जा रही है क्या? बचाओ बचाओ बचाओ। सर डरिए मत, ये आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, ये सिर्फ आपके हाथ में जो डस्टर है वो चाहती है, दे दीजिए। थैंक यू छोटी जी, थैंक यू। मेरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, फिर भी हो गया। नहीं नहीं, ओके बेटा, आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए, मैं आपका ब्लैकबोर्ड साफ कर देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। बच्चों सिट डाउन, सिट डाउन। हाँ जी हाँ जी।
अरे सर, हमसे ज्यादा तो आप डरे हुए लग रहे हो। तो बच्चों, मेरी हालत देखकर आप लोग सब मुहावरे का मतलब तो समझ ही गए होंगे। आ बला पकड़ के ला, ये मुहावरे का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे हैं? सर, I'm really very sorry. I'm sorry. मैं तुम नहीं, तुम बैठ जा, मैं सारी बोलता हूँ। हाँ नहीं सर, मैं सारी बोलता हूँ बेटा, बैठ जा। हाँ बेटा, मेहर, अगर तुझे बच्चों को और सर को सॉरी कहने से बचना है तो फिर एक काम कर कि तू कोई काम मत कर। क्या? हाँ, क्योंकि तू जो काम करने जाती है उससे पहले तेरी चोटी ही पूरा काम कर देती है, आई मीन बिगाड़ देती है। हाँ? मान गए सृष्टि, तोबा तोबा जीवी आपके शातिर दिमाग को। बनाई क्या कमाल की योजना आपने, वाह! था नहीं आपके पास कोई रास्ता बालवीर से बचने का, तो पकड़वा दिया आपने खुद को ही नुकीली परी बनकर, वाह! हाँ तोबा तोबा, परियां यही सोचती रहेंगी कि भयंकर परी ने नुकीली परी को जिंदा किया है, पर वो परियां ये कभी नहीं सोच सकती कि बुराई की रानी दैत्यानी जिंदा हो चुकी है। तौबा तौबा, बालवीर यहीं पर आ रहा है, तुम जाकर कहीं छुप जाओ, सिर्फ मैं अपने आप को बालवीर के हाथों पकड़वाऊंगी, हम दोनों एक साथ पकड़े नहीं जाने चाहिए, जाओ यहाँ से। लेकिन दैत्यानी, डाल देगी परिया आपको कैद खाने में, निकलोगे कैसे आप वहां से? इस जादुई कूंची की मदद से। संभाल कर रहना होगा हमें उन डुबा डुबाओं से। शाबाश मेहर, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर रही हो, चलो इसमें जल्दी से कलर भरना शुरू कर दो। ओके मैम। एक मिनट, मेरी ब्लैक स्केच पेन कहाँ गई? कलर
खराब कर दी। एक मिनट, मेरी पेंट ब्रश दो। यू मेहर, क्या हुआ? अभी तो अपने छोटी को बहुत थैंक यू बोल रही थी ना, अब बोल थैंक यू, बोल बोल। मानव के बच्चे तो रुक, अभी बताती हूँ। मेरी प्यारी छोटी, मानव की ड्राइंग बुक पर कलर कर दे। खराब मत करना। हुआ क्या फायदा यहाँ तक आने का? नहीं जा सकते हम यहाँ से बाहर, क्योंकि है लगा यहाँ तो रानी परी का सुरक्षा कवच। तौबा तौबा, मैं बुराई के खेल की हर चाल पहले से ही सोच के रखती हूँ। नमूना दिखाऊं? दिखाइए। ये लो जादुई कूची, इससे हवा में सुराग का चित्र बनाओ। बनाओ हवा में सुराग का चित्र? है लगता हो गई ये भी पागल परी भयंकर। दूसरी तरफ परिलोक के। अरे चोटी, मैंने तुम्हें मानव की ड्राइंग बुक में कलर करने को कहा था, मानव के मुंह में नहीं। अरे रुक जाओ, रुक जा, रुक जा, रुक जा प्लीज। मैं अब तो अपने चोटी को संभाले, वरना वरना क्या वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तेरी जोड़ी तेरी बात नहीं मानती तो फिर तेरी जोड़ी मेरी क्या बात मानेगी। हाँ ये बात तो है। एक मिनट मानव, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। प्लीज तो एक काम कर, तू अपने ड्राइंग में कलर भर, मैं भी करती हूँ। हाँ छोटी को भी ड्राइंग करनी है। हाँ मैं काम करती हूँ, मैं उसी पे एक पेपर दे देती हूँ, फिर वो मुझे डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। ये ले, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और इस पे मैं रखो इसे। मैं रोहित केवल, मुझे ये तो पक्का हो गया ये बाल महल के ही है, पर इतने इसने रात में कैसे उगा लिए? बॉस, जैसे ही आपके बाल एक झटके में चले गए, वैसे उसके बाल एक झटके में वापस आ गए। मंटू बॉस, मुझे तो लगता है ये सब बालवीर जी ने किया है। नहीं नहीं, बालवीर जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो उसके बाल नहीं उगा सकते। हाँ मंटू बॉस, मना तो किया था। तो फिर ये चक्कर क्या है बॉस? यही तो पता लगाना है रोहित केवल। आइडिया।
रुक के मैं महर के बालों का सैंपल काट लेता हूँ और फिर मैं लैब में जाके मेरे पापा की मदद से उसे टेस्ट करवाऊंगा। जाने देना बॉस, क्यों बाल की खाल निकालने में लगे हो? हाँ मोंटू बॉस, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? फायदा? बहुत फायदा है इससे। लैब में टेस्ट करने से हमें पता चलेगा कि महर के एक रात में इतने बाल लंबे कैसे हो गए और तो उसके एक्टिव और उसके सारे काम कैसे करते हैं। समझ गया बॉस, अब महर के तरीके से अपने टकले पे महर जैसे बाल हो गए, है ना? हाँ, अब मेरे भी घने बाल होंगे और वो बाल मेरे सारे काम करेंगे। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, परियों के साथ साथ आप सबका भी इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन है वो चौथा बच्चा जो चुना गया है मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। तो आइए जानते हैं। तो बच्चों, उस बच्चे का नाम है वेदांत पंचाल, जो है सूरत से। बहुत बहुत बधाई वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में चुने जाने के लिए। दोस्तों, वेदांत ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हैं। बहुत अच्छे वेदांत, तो चलिए मिलते हैं वेदांत से। वेदांत, बालवीर, खुश रहो वेदांत, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। वेदांत, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम हमेशा पौधों को पानी देते हो। तुम ही तो कहते हो ना बालवीर, कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे उगाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और रोज पानी देना चाहिए। बहुत अच्छे वेदांत, मैं तुम्हें यहाँ एक खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? हाँ वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए तुम्हें वो चौथा बच्चा चुना गया है जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। मुझे चुना गया है? मॉम डैड, सुना आपने? ये यस, ये सच है वाली? हाँ। वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में आने का रानी परी की तरफ से निमंत्रण पत्र। यस। तो दोस्तों, ये है वेदांत जो चुने गए हैं मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। लेकिन अभी भी एक बच्चे का चयन होना बाकी है, तो आप जल्द से जल्द हमें अपने पत्र लिखकर भेजते रहिए। हो सकता है वो अगला बच्चा आप हो। रोहित केवल, रिसेस हो गई है, महर के बाल काटने का यही बेस्ट टाइम है। चलो चलो चलो, हम लोग अपने मुंह धो लेते हैं। चलो ये लंबे बाल तो मुसीबत है। बालवीर प्लीज जल्दी से इनका इलाज ढूंढकर यहाँ आ जाओ, बहुत अच्छा होगा। मैं, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, पर तुम चिंता मत करो, परीलोक में परियां तुम्हारे बालों को ठीक करने का उपाय ढूंढ रही है। तुम्हें जल्दी इस समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। मैं भी खेलूंगी। मैं तेरे बाल। गिराओ, गिराओ मैं।
सॉरी मोंटू। ओहो, मम्मी ने आज फिर से बैंगन की सब्जी और रोटी दे दी। आज मेरा बैंगन खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज मेरा कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा है। अरे मेहर, अब तेरे पास कुछ सॉरी बचा भी है या सब बोल के खत्म कर दिया? सॉरी। तौबा तौबा, अब तक तो मेहर के बाल कुएं के रस्सी जितने लंबे हो गए होंगे, इसलिए उस बालवीर और उन परियों को पता चलने से पहले हमें बहर को शीघ्र ही ढूंढकर उसके बाल काटने पड़ेंगे। मानव जल्दी बॉल पकड़। मानव कम ऑन कैच इट। मानव मानव संभाल के। मम्मी मुझे बचाओ, मैं मुझे नीचे उतार, मैं गिर जाऊंगा। अरे वाह,
मेहर के बाल तो कुएं के रस्सी जितने लंबे हो गए। अब मुझे इसके बाल काटने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आउट! यस! कैच! मानव, तू ठीक तो है ना? अरे मेहर, अगर तेरी छोटी मुझे इतने ऊपर से गिरा देती तो फिर तो मेरी बैंड बज जाती ना। सॉरी। अरे अरे मेहर, अरे मेहर, मेहर के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। मुझे उसे थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए। पर ये मेहर कहाँ चली गई? मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे खुद के ही बाल मेरे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतने लंबे बाल। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों बड़े हो मेरे पीछे? प्लीज छोड़ दो मेरा पीछा। कोई जरूरत नहीं है मेरे आंसू पोंछने की। मत दिखाओ अपनी झूठी हमदर्दी। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। कौन तुम? दैत्यानी, महाशक्तिशाली दैत्यानी। ये जो तुम्हारे लंबे बाल है ना, मैं मेरे जादू के वजह से लंबे हुए हैं। क्या? हाँ, और इसी बाल की वजह से मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, जिसकी वजह से मैं फिर से महाशक्तिशाली और जवान बन जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। प्लीज छोड़ो। क्यों रो रही हो तुम? हाँ? अच्छा, ये लंबे बाल तुम्हें बहुत तंग कर रहे हैं ना? हाँ? कोई बात नहीं, अब से ये बाल मेरे, ठीक है? नहीं! बच्चे को परेशान करने से ये मत समझ लेना कि तुम जीत गए। अभी मैं बालवीर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें इस किए की सजा देगा। नहीं महेश, नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं बालवीर को बुलाने का, क्योंकि जब तक बालवीर यहाँ आएगा मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब कर चुकी होंगी। कितनी आसानी से मेरी बुराई की शिकार बन गई ये सच्ची और अच्छी बच्ची। जब मैं अमृत कुएं का पानी पीकर महाशक्तिशाली बन जाऊंगी, तब इस पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई और अच्छाई को मुझसे दूर कौन रखेगा? कौन बचा पाएगा इन सबको? कोई भी नहीं।
वो परियां और ना ही वो बालवीर। मैंने दैत्यों की भक्ति मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति हूं मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी 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 रानी परी सारा बंदोबस्त हो चुका है। हाँ रानी परी शुक्रिया परी की है मैंने दैत्यों की भक्ति मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति हूँ मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी कैसी हो रानी पर कैसी हो रानी पर हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं और हाँ दैत्यानी तुम भी बिल्कुल नहीं बदली मैं कैसे बदल सकती हूँ रानी पर मैं अब भी वही हूँ बुराई की महाशक्ति दैत्यानी तो तुम वापस आ ही गई सदियों की गहरी नींद से हाँ आ गई मैं वापस तुम परियों ने मुझसे धोखा करके मुझे गहरी नींद में सुला दिया था ना उसका बदला तो मुझे लेना ही था अब तुम सब देखना पृथ्वी लोक का हर बच्चा मेरे वश में होगा और कैसे कैसे मैं पूरे पृथ्वी पर राज करूं दैत्यानी ये सपने देखना छोड़ दो <स्थाथ>
डर गई परियों, डरना भी चाहिए। अगर मैं चाहूं तो दो ही पल में तुम सबको इस भवन में डालकर हमेशा हमेशा के लिए शून्य में फेंक सकती हूं। लेकिन अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरे सदियों के बदले का क्या होगा? वो तो एक ही पल में खत्म हो जाएगा। मैं तुम सबको धीरे धीरे समाप्त करूंगा। ध्यान करते समय हमें उस दैत्यानी का सपना आना? नहीं, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। कहीं ये कोई बुरा सपना था या फिर कोई भयानक वास्तविकता? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं सचमुच दैत्यानी आजाद होने के साथ शक्तिशाली भी हो गई? हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीता, मीता, माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहे? मुझे लगता है बापूजी को टीचर ने ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहने की सजा दी है। तो बापूजी कोई शरारती बच्चे हैं जो टीचर सजा देगी? मुझे लग रहा है कि इन्हें ना रास्ते में कोई गुंडा मिला होगा और फिर गुंडे जैसे हैंड्स अप करके इन्हें लूट लिया होगा और फिर डर के मारे ये हाथ नीचे करना भूल गए होंगे, है ना? क्या बात है माँ, सेम टू सेम। मतलब मैं भी यही सोच रही थी। स्मिता तुम भी? सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम? अरे ऐसा नहीं है। मैं बता दो, मैं और बापूजी मंदिर गए थे, घंटी बजाने के लिए बापूजी ने हाथ ऊपर किया, घंटी तो बजी नहीं, बापूजी का बैंड बज गया। फिर मैं बापूजी को रिक्शा में ले आना चाहता था लेकिन रिक्शा में बापूजी फिट ही नहीं हुए, फिर मुझे टैक्सी करनी पड़ी। भाई साहब अब क्या करें? एक ही तरीका है इनको लेकर जाने का। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आपने डबल पैसे जरूर लिए लेकिन काम पक्का करके दिया। बापू जी आप फिकर मत कीजिए, अब यहाँ से आपको कोई नहीं उतारेगा, मैंने सामान के पैसे अलग से दिए। और बापू जी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, देखिए मैं आपको डॉक्टर के पास ही लेके जा रहा हूँ। वाह क्या मूर्ति है, तुझे मैं मूर्ति दिखाई देता हूँ। अरे बोलने वाली मूर्ति, देखो भाई देखो, ये मूर्ति बोलती भी है। अब तू जा यहाँ से वरना ये बोलने वाली मूर्ति मारने वाली मूर्ति बन जाएगी। फिर मैं बापूजी को डॉक्टर के पास लेके गया। अच्छा किया। अरे क्या खाक अच्छा किया, डॉक्टर वहां नहीं था, वो खुद का ऑपरेशन करवाने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गया था। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, घूम फिर के बापूजी को घर में लेके आया। अरे वाह अच्छा किया। हाँ। मेरा मतलब है बापूजी को आप घर लेके आए ना, अच्छा किया। अब हम लोग बापूजी का ऐसा इलाज करेंगे। आगे बढ़, कैसा इलाज करेंगे? कि बापूजी डॉक्टर के पास ले जाने लायक ही नहीं बचेंगे। महेश सॉरी सर, रॉकी सॉरी सॉरी। एक मिनट मैं समझाती हूँ, इसका कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ कि आपको घर लेकर आए, हमें इलाज करेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की सीढ़ी नहीं रहेगी। हाँ। है ना माँ? सीट नहीं, नीड, मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ वही, सेम टू सेम। नहीं रानी परी, अब व्यर्थ में चिंता कर रही है, दैत्यानी को आजाद करना आसान नहीं है।
दैत्यानी। रानी परी, क्योंकि दैत्यानी अपने दैत्य लोक में सबसे सुरक्षित ताबूत में कैद है और भयंकर परी का उस तक पहुंचना असंभव है। हाँ रानी परी, उस ताबूत की सुरक्षा की जिम्मेदारी दैत्य लोक के सबसे शक्तिशाली दैत्यों को सौंपी है। हाँ परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दैत्यानी का आजाद होना इतना आसान नहीं है और हो सकता है शायद ये हमारा बुरा सपना ही था। परियों, आप सब हमारी चिंता न कीजिए, आप जाइए और बच्चों के मैं भी बालवीर सम्मान समारोह की तैयारी कीजिए। जी रानी परी। जी रानी परी। हम जानते हैं कि एक बुरा सपना था, लेकिन हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि आज तक हमारे किसी भी सपने ने हमें इतना व्याकुल नहीं किया जितना हम आज हो गए। मेहर के बाल जो इसे इतना परेशान कर रहा है वही बाल मेरे जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें इससे विदा लेने का समय आ जाएगा, क्योंकि अब मैं इससे अमृत कुएं की रस्सी बनाने वाली हूँ। मेहर, तुम अभी भी रो रही हो। देखो मेहर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बालवीर पर विश्वास है ना? तो देखो, उसने तुम्हें वादा किया है कि वो तुम्हारे बाल ठीक कर देगा, तो वो जरूर कोई ना कोई उपाय जल्द से जल्द ढूंढ कर आएगा, है ना? पर बल्लू, मैं खेल नहीं पा रही हूँ ना, खा पा रही हूँ। चिंता क्यों कर रही हो? बालवीर है ना, वो हमेशा हम सबकी मदद करता है, तो अभी भी वो मदद करेगा, है ना? ये बच्चा कहाँ से आ गया? सबसे पहले तो मैं इसी को बेहोश कर देती हूँ, वरना मेहर के बाल कटने के बाद ये बालवीर को बुला लेगा। बल्लू, मेरे इतनी शक्तिशाली वार के बाद भी ये बच्चा बेहोश क्यों नहीं हुआ? बल्लू क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? किसी बुरी शक्ति ने मुझ पर वार किया है, मुझे उसका पता लगाना होगा। मेहर, तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? तौबा तौबा, जान बचाने का उपाय अगर है आपको जान प्यारी तो भागिए यहाँ से, चलिए। लेकिन अरे लेकिन छोड़िए दैत्यानी, खो जाइए गायब जल्दी से यहाँ से, वरना आ जाएगा बालवीर। चलिए। मुझ पे ये वार किसने किया? इस सब के पीछे भयंकर परी का तो हाथ नहीं? मुझे इस विषय में तुरंत परियों से बात करनी होगी। बल्लू, तू ठीक तो है ना? वो वहाँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा चक्कर आ गया था, मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी के आता हूँ। मैं तुम यही रुको, मैं पानी। पर बल्लू, ये सच में लल्लू है, किसी की नहीं सुनता। गया बच। तौबा तौबा, ये सब क्या है? क्यों साधारण बच्चे से इतना डर रहे हो तुम? साधारण बच्चा? कौन साधारण बच्चा? अरे वही जिसे मेहर बल्लू बल्लू करके पुकार रही। अरे अकल की अंधी,
दैत्यानी है नहीं वो साधारण बच्चा, है वो तो बालवीर। मारा क्यों मुझे? बेवकूफ, मुझे बताया क्यों नहीं कि वो बल्लू ही बालवीर है? अभी हूँ बताता मैं, जरा पीछे 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 आया ही नहीं कभी मौका बताने का, तो बताता कैसे मैं कि है रहता बालवीर पृथ्वी लोक पर बल्लू के रूप में, और है रहता वो मानो और मेहर के घर में, वो उनके परिवार का हिस्सा बनकर। तौबा तौबा, अगर वो बल्लू ही बालवीर है तो उसे अब तक ये समझ में आ गया होगा कि उस पर जिसने भी वार किया है वो कोई बुरी शक्ति है। हा? और इसका मतलब ये है कि वो बालवीर अब शांत नहीं बैठेगा। ओ? और इसलिए मैं अब पृथ्वी लोक जाकर मेहर के बाल नहीं काटूंगी। तो फिर करोगी क्या? रद्द कर दोगी अपनी योजना? नहीं, दैत्यानी इतनी आसानी से हार कभी नहीं मानेगी। मेहर के बाल मैं जरूर काटूंगी, और उसके लिए मुझे मेहर का अपहरण करना पड़ेगा। अपहरण? करोगे कैसे आप मेहर का अपहरण? मेहर का अपहरण इस जादुई संदूक के द्वारा होगा। ये जादुई संदूक? हाँ, जादुई संदूक। और ये संदूक मेहर के सामने रख के खोलते ही ये उसको अपने अंदर खींच लेगा। फिर बस, बालवीर तो क्या, कोई भी उसे इस दुनिया में ढूंढ भी नहीं पाएगा। किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि मेहर गई तो गई कहाँ। जब तक बालवीर को मेरे खेल के बारे में पता चलेगा, तब तक मैं अमृत कुएं का पानी पीकर महान शक्तिशाली बन जाऊंगी, और फिर मैं बुराई की ऐसी आंधी चलाऊंगी कि वो बालवीर और वो परियां तिनके की तरह उड़ जाएंगे। तब की तब देखेंगे, लेकिन है अब तो मुश्किल है लेके जाना ये संदूक। जब दोबा चढ़ जा सूली पे हंसी खुशी। बालवीर, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। माँ परियो, रानी परी, दरअसल पृथ्वी लोक पर किसी बुरी शक्ति ने मुझ पे छुपकर वार किया। क्या? हाँ, पता नहीं कैसे। बालवीर, कौन है वो बुरी शक्ति? मैं उसे देख तो नहीं पाया रानी परी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई बुरी शक्ति ही थी। कहीं वो बुरी शक्ति भयंकर परी तो नहीं थी? नहीं विश्वास परी, वो बुरी शक्ति भयंकर परी नहीं हो सकती है, क्योंकि भयंकर परी ने सारे बुरे काम करने का जिम्मा नुकीली परी को दिया है, और नुकीली परी भी हमारे कैद में है। हाँ परियो, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन परियो, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये सब छलावा भयंकर परी ने नहीं किया है, तो आखिर इस सब के पीछे वो बुरी शक्ति है कौन? हमें डर है कि कहीं वो बालवीर पर फिर से वार ना करे। बल्लू, बल्लू, कहाँ है तू? है यार, उड़ जाएगी। बल्लू कहाँ चला गया? बल्लू,
क्या चली क्या? बालवीर! 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 बुला रही है मेहर बालवीर को, आता ही होगा बालवीर, करो क्या? रानी पर पृथ्वी लोक पर मेहर मुझे मदद के लिए पुकार रही, लगता है वो किसी खतरे में फंस गई, मुझे जाना होगा। जी बालवीर, आप तुरंत पृथ्वी लोक जाइए, तब तक हम यहाँ उस बुरी शक्ति को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जी रानी परी। परियों, हमें अब भी संदेह है कि इस सब के पीछे जरूर दैत्यानी का ही हाथ है। रानी परी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है, दैत्यानी का फिर से शक्तिशाली होना असंभव है। हाँ, और अगर वो वापस लौट कर आ भी गई तो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए आएगी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम परियों की वजह से। मेहर का हाथ बाहर, पक्का बचा लेगा बालवीर मेहर को और कर देगा तुझे समाप्त। तोबा तोबा, करूं क्या? अरे छोड़ ये सब, भाग तोबा तोबा भाग। मुझे अपने जादू से इस संदूक को जल्द से जल्द खोलना होगा। हे रानी परी, आपके जादू से ये संदूक खुल जाए, जल्द से जल्द मेहर बाहर आ जाए। ये संदूक तो रानी परी के जादू से भी नहीं खुल रहा, क्या करूं? मुझे मुझे इसे खोलना होगा, लेकिन कैसे कैसे? भागो, भागो! है आरा तूफान बालवीर गांव का, है बचा लिया उसने मेहर को, अब छोड़ेगा नहीं हम दोनों को वो, भागो! चुप! बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं हूं बुराई की रानी दैत्यानी। मैं बुराई का वो पौधा हूँ जिस पर रोज नए नए षड्यंत्रों के फूल खिलते हैं। ये रहे मेरा नया षड्यंत्र। आंटी प्लीज मुझे जाने दो, खोलो इसे, कोई है प्लीज मुझे ऐसे निकालो। मेहर की आवाज है? अरे मेहर की आवाज कैसे इस संदूक से? इसका मतलब नहीं बचा पाया बालवीर मेहर को? हाँ हाँ, तौबा तौबा, नहीं बचा पाया वो बालवीर इस मेहर को। आंटी प्लीज मुझे जाने दो, खोलो इसे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मुझे ऐसे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे ऐसे निकालो, प्लीज।
कैसा अजब गजब सा चक्कर आ नहीं रहा मेरी तो कुछ समझ में। चलिए मान लिया कि नहीं बचा पाया बालवीर मेहर को, लेकिन आया कैसे ये संदूक आपके पास? जिस संदूक को तुम ले गए थे ये वो संदूक नहीं है, ये दूसरा संदूक है। दूसरा संदूक? मेहर गई तो थी उसी संदूक, लेकिन वो सिर्फ एक जरिया था मेहर को उस संदूक से इस संदूक में लाने का, समझे? अब उस बेचारे बालवीर के पास भी एक संदूक है और उसे ऐसा लग रहा है कि मेहर उसके अंदर है और वो उसे बचा लेगा, लेकिन जब तक बालवीर उस संदूक को खोलेगा और उसको पता चलेगा कि मेहर तो उसके अंदर नहीं है, तक हमें बहुत समय मिल जाएगा हमारा काम करने के लिए। संदूक छोटा कैसे हो गया? लगता है संदूक को खोलने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी। मेहर कहाँ हो तुम? अरे ये तो मेहर नहीं। मुझे जल्द से जल्द परीलोक जाना होगा। हम मेहर के बाल परीलोक में जाकर काटेंगे। क्या कहा आपने? क्या कहा? परीलोक में? परीलोक? है लगता मुझे सुन के अपनी तारीफ हो गया आपका दिमाग खराब। जो 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 जा रहे हो शेर के मुंह में अपना सर देने? अरे दैत्यानी वहाँ परीलोक में परिया कर देगी आपका अंत पलक झपकते ही, समझिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तौबा तौबा, कुछ नहीं होने वाला है। हम मेहर को परीलोक अवश्य लेकर जाएंगे, क्योंकि हम मेहर को परीलोक में ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ ना तो कोई परियां और ना ही कोई डूबा डूबा आते हैं। अच्छा, है कौन सी ऐसी जगह जिसके बारे में नहीं सुना मैंने भी कभी? बहिष्कृत क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई नहीं जाता है। बहिष्कृत क्षेत्र? और जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ दैत्यानी जाती है। हम वही जाएंगे और आराम से बैठकर अपना काम भी करेंगे। परियां और बालवीर हमें पूरे ब्रह्मांड में ढूंढते रह जाएंगे और हम उन्हीं के नाक के नीचे बैठकर बुराई फैलाते रहेंगे, क्योंकि मैं हूँ बुराई की रानी दैत्यानी। सब लोग रेडी? हाँ। एक, दो, तीन। अभी और कुछ बाकी है या मुझे आराम मिलेगा? बाबू जी अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अंधे संभाल के। सॉरी
हो गया ना तेरा आइडिया फ्लॉप। सॉरी महेश, आज के बाद जिंदगी में कभी भी किसी को कोई आइडिया मत देना, वरना वरना आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। अरे मेरा मतलब है मोटा भाई का आइडिया काम कर गया, आपके हाथ खुल गए। अरे हाँ बापूजी, आपके तो हाथ खुल गए। बस बापूजी बस, वरना वापस अटक जाएंगे। इसे कहते हैं कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। नहीं नहीं बापूजी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे ये। हमने अपने मेहर को खो दिया। सच्चे और अच्छाई हार गई परी। मैं चाहकर भी मेहर को नहीं बचा पाया। आज बुराई के सामने सच्चाई और अच्छाई हार गई। नहीं बालवीर, सच्चाई कभी नहीं हार सकती है। बुराई चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन वो सच्चाई को कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं। हाँ बालवीर, आप हिम्मत रखिए, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। बालवीर, अगर हम अभी भी कोशिश करें तो मेहर को बचा सकते हैं। बालवीर, हमें बस यही पता लगाना है कि मेहर का अपहरण किसने किया है और क्यों किया है। बालवीर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सारा षड्यंत्र किस बुरी शक्ति ने रचा है और क्यों। रानी परी, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। पहले तौबा तौबा ने उस जादुई लेप को चुराया, फिर भयंकर परी ने उसे लौटा दिया, और अब अचानक मेहर के बालों का लंबा होना। हाँ, फिर नुकीली परी का पकड़ा जाना, मेहर के ऊपर से खतरे का टलना, और अब अचानक मेहर का गायब होना। परियो, ये सब एक पहेली जैसा लग रहा है जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। रानी परी, हमें लगता है इस सब के पीछे भयंकर परी का ही हाथ है। लेकिन रानी परी, भयंकर परी की सारी दुश्मनी हम परियों के साथ है। इस तरह मेहर के अपहरण से उसे क्या फायदा हो सकता है। हाँ परी, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। हम तो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि सबके पीछे उस बुरी शक्ति का क्या उद्देश्य हो सकता है। परियो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इतना समझ में आ गया है कि अगर मैं मेहर को नहीं बचा पाया तो मैं बुराई के सामने अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। बालवीर का रूप हमेशा हमेशा के लिए त्याग, हमेशा हमेशा के लिए त्याग। और पृथ्वी लोक पर कभी नहीं जाऊंगा। बालवीर, बालवीर, तुमने मेहर को कहीं पे देखा? सुनो, तुमने मेहर को कहीं देखा? नहीं देखा। अरे, तुमने मेहर को कहीं पे देखा क्या? अरे, पूरा स्कूल छान मारा, पर मेहर कहीं नहीं मिली। पता नहीं मेहर हमें बिना बताए कहाँ चली गई। मानव, तू चिंता मत कर। देख, मेहर अपने बालों से बहुत परेशान थी, तो शायद ये भी हो सकता है उसे बालवीर को बुलाओ और वो दोनों घर चले गए हो। हाँ, तू सही कह रही है सलोनी, क्योंकि मेहर अपने बालों से बहुत परेशान थी। अच्छा हुआ वो घर चली गई। चलो अब हम भी चलते हैं। हाँ सुना बस, मेहर घर चली गई। हाँ मंडू बस, अब आप भी घर चले जाओ। क्या? मेरे कहने का मतलब है अब आप मेहर के घर चले जाओ और पता लगाओ कि मेहर के इतने लंबे बाल कैसे हुए। हाँ बॉस, मेहर के घर जाने पे पक्का कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। नहीं
मुझे कोई क्लू वो नहीं चाहिए। मैं से टकलाई ठीक हूँ, मुझे तो अभी बालों से नफरत होने लगी है। मेरा तो मन कर रहा है तुम दोनों को भी टकला बना दो। मेहर की चोटी छोटी जी, मैं की छोटी जी प्लीज मुझे माफ कर दो। रात के आपको कभी नहीं काटूंगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दो प्लीज। जैसे सच्चे और अच्छे बच्चों को डराने में बहुत मजा आता है। पर तुम्हारा ये डर ज्यादा देर नहीं रहेगा। पूछो क्यों? पूछो पूछो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे इस लंबे से बाल को काट कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पुकार रही है। बालवीर, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आप तुरंत जाइए और मेहर को छुड़ाकर यहाँ ले आइए। जल्दी जाइए। परियो, मुझे मेहर की आवाज तो आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि मेहर की आवाज आ कहाँ से रही है। वो है कहाँ? बालवीर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जादू चित्रपट का उपयोग कीजिए, इसकी मदद से आपको मेहर की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल जाए। हरानी परी, जादुई चित्रपट में भी मेहर का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर? बालवीर, हमें तो लगता है कि जिसने भी मेहर का अपहरण किया है,
उस बुरी शक्ति ने कोई बहुत बड़ा माया जाल बिछाया है। महर, मेरे माया जाल से बचना आसान नहीं है। तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो, बालवीर मुझे बचाओ, बालवीर मुझे बचाओ, पर बालवीर वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बालवीर तुम्हें सुन तो पाएगा, लेकिन मेरे जादू की वजह से उसे पता नहीं चलेगा कि तुम हो तो हो कहाँ। क्या बुलाओ बुलाओ तुम्हारे बी 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 बच्चों को बचाने वाले बालवीर को, बुलाओ बुलाओ।